जी, इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लें, यानी y आपका एक तरफ होना चाहिए, c और x ये दूसरी तरफ। उसके लिए ये x उधर जाके माइनस टू भी माइनस हो गया, अब ये सारे ही नेगेटिव है तो इसको माइनस वन से पूरी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बना 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अब y इधर रहेगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जी। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आएगी, इस तरह हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा। हमने तीन ऑर्डर पेयर कम अज कम बनाने हैं इसके जी। लेट आप x की वैल्यू 1 ले लें, तो यहाँ 1 लिख दीजिए तो ये बनेगा 3/3, इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी जब आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की 1 आ गई, इनको आप पुट कर, ये x और y की वैल्यू 1, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास पहला आ गया जी। अब आप ऐसे करें कि x की वैल्यू नेगेटिव 2 ले लें, तो नेगेटिव 2 से नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह वैल्यू x की आ जाएगी, सॉरी ये y की वैल्यू है, ये x की तो हमने ये ली ना वैल्यू, इस x की जगह नेगेटिव 2, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो ये नेगेटिव 2 और 0, इस तरह हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ताकि ये 4 प्लस 2 बनेगा 6/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, x की 4 y की 2 आ गई। इस तरह ये तीन ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए। इन ऑर्डर पेयर्स में x की वैल्यू 1, नेगेटिव 2 और 4 आ रही है, y की 1, 0 और 2 आ रही है। अब हमें कुछ स्केल बनाना है जी। ये स्केल जो है ना, 2 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 ले लें, यानी इधर भी दो छोटे डब्बों का नाम 1 लिखा, 2, 3 और 4, और इधर को नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 लिख लिया। ऊपर को ऐसे ही 1, 2, 3 एंड दो स्मॉल स्क्वेयर जो उसका नाम 1 ले लिया, नीचे को भी ऐसे ही लिख लेना। अब आपका ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 और 1, ये x की वैल्यू 1 है, y की 1 है, ये दोनों इस जगह पे मीट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है आपका, इसका नाम 1, 1 लिख दें साथ ही। और ये सेकेंड ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू नेगेटिव 2, y की 0 है, इसलिए ये यही पॉइंट इधर ही बनेगा, नेगेटिव 2 है और y की 0 इसी के ऊपर ही है, यानी ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 4, 2 है, x की वैल्यू 4 है, y की ये 2 है, तो ये दोनों आपके इधर आके मीट कर जाएंगे, इसका नाम भी लिख दें 4, 2। अब 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, इनको अब आप मिला दें, ये स्केल रखा है इसके साथ और ये तीनों पॉइंट्स चेक किया, स्केल को टच कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन के दोनों तरफ एरो का निशान बना दें और साथ लिख दें x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला आपका वो लाइन ड्रॉ हो गई, इक्वेशन जो थी ये वाली थी उसकी ये वाली लाइन बन गई है।